हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आयुष। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसके सिलेबस डिवीजन के बारे में। उसका सिलेबस डिवीजन कैसे है, उसका सिलेबस डिवीजन के बारे में अगर पढ़ें तो उसमें 75 आवर्स की थ्योरेटिकल वाला पार्ट है और 75 आवर्स का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। यानी कि हमें 75 आवर्स की थ्योरी पढ़नी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें अब पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमें। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। अब उसमें नॉलेज क्या लेनी है, यानी कि उसके हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, उसका मेडिसिनल यूज क्या है, उसका फार्मास्यूटिकल यूज क्या है, उसकी केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसकी जो भी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब आगे हम बढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट के अंतर्गत, तो हम आगे देखेंगे उसका जो फर्स्ट पार्ट है एसिड बेस एंड बफर, उसके बारे में हमें जनरल इंट्रोडक्शन प्राप्त करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, 16 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बारे में मैं जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ इसके बारे में। अदरवाइज इसका जो भी थ्योरेटिकल वाला पार्ट यानी जो भी उसका पार्ट है उसको हम अपने वेबसाइट notescard.com पे इसके पूरे नोट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से आप उसके नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में सुने और उसके नोट्स की अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप हमारी साइट notescard.com पे जाएं और वहाँ से एक बार नोट्स को प्रोवाइड करें, उसके बाद उसको स्टडी करें, लेक्चर को सुने, दोनों को एक साथ मैच करा के पढ़ें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स होते क्या हैं, तो एसिड्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले इसको समझाने के लिए तीन साइंटिस्ट आए, थ्री कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, यानी थ्री साइंटिस्ट आए, उनके कंसेप्ट को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं। अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराते हैं, यानी अगर एसिड्स को हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएं तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देगा, उसी को हम बोलेंगे एसिड्स। एग्जांपल में अगर देखते हैं तो HCl, HNO3, H2SO4, ETC, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जब हम HCl को H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन हमें मिल जाएगा, यानी H+ आयन मिलेगा, यानी कि ये इससे प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा HCl है वो क्या है, एसिड है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉन्स्टेन-लोरी कंसेप्ट। अगर हम ब्रॉन्स्टेन-लोरी कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो उन्होंने ये बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्वेंट में मिलाने पे हमें प्रोटॉन प्रोवाइड कराते हैं बाय एनी मेथड। यानी उनके अकॉर्डिंग ये था कि दोज सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन बाय एनी मेथड्स इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड एसिड। एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो कि हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में मिलाने पे बाय किसी मेथड, यानी किसी मेथड से आप मिलाएं उसको हमें वो प्रोटॉन देंगे, यानी कि उसे हम प्रोटोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेन-लोरी कंसेप्ट को हम प्रोटोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन देता है। यानी H+ आयन क्या होता है, एक प्रोटॉन ही होता है, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये प्रोटोनिक कंसेप्ट होता है। उन्होंने भी रिएक्शन अपना दिया, उन्होंने भी HCl को सॉल्वेंट H2O के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया तो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, यानी कि हमें प्रोटॉन मिल गया और क्लोरीन नेगेटिव। तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेन-लोरी कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो है लुईस कंसेप्ट। लुईस साहब के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स क्या होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि
लोन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी लोन पेयर का ये या इलेक्ट्रॉन पेयर की ये, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा लोन पेयर को अपने अंदर गेन करने की प्रॉपर्टी रखने वाले को ही हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल AlCl3, SF6, SO3, etc, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक ओवरव्यू अपने सामने रखा हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। आप लोग इसको नोट्स, हमारे notescard.com साइट पे जाएं और वहाँ से इसको नोट्स को, कंप्लीट नोट्स को लें और उसको इन लेक्चर के साथ मैच करा के पढ़ें, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आप लोगों को उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताते हैं। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ होती हैं जिसके बारे में पूछा जाएगा, आप लोगों को बताना भी पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने हिंट्स के लिए बस हमने रखा है क्या, गुड कंडक्टर। पहला पॉइंट है गुड कंडक्टर। एसिड्स क्या होता है, एसिड गुड कंडक्टर होता है। एसिड एक गुड कंडक्टर कैसे, आप लोगों को जनरल पता होगा कि आप लोग तेजाब का यूज करते हैं बैटरी वगैरह में, तो हम देखते हैं बैटरी वगैरह में तेजाब क्या काम करता है, वो एक प्रकार का एसिड होता है। जब हम उसको मिलाते हैं तो वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देंगे किसी भी एसिड को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देगा। कोरोसिव नेचर, यानी ये कोरोसिव नेचर का होता है, कोरोसिव खुरदरा कर देना यानी नुकसान कर देना, खुरदरा कोरोसिव खुरदरा टाइप में कर देने वाला होता है, बहुत ही खतरनाक होता है एसिड। अगर वो हाईली एसिडिक है तो वो नुकसान कर देगा। अब पीएच के बारे में इसके बात करेंगे, पीएच के बारे में बात करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका पीएच कितना होता है, तो एसिड्स के पीएच के बारे में अगर बात करें तो एसिड का पीएच जो होगा हमेशा लेस देन 7 ही होगा। सभी लोगों को पता होता है कि जो पीएच होता है न्यूट्रल पॉइंट का पीएच होता है, न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 होता है, उससे अगर लेस देन आए तो एसिड होगा और उससे आगे जाएं तो वो बेस होगा। यानी एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसका पीएच हमेशा 7 से कम ही होगा, उसे बोलेंगे पीएच। अब उसमें होता है कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनका 1, 2, 3 के आसपास होता है, वो बहुत ही हाईली एसिडिक होते हैं, और जो ऊपर होते हैं उससे लेस एसिडिक बोला जाता है। एसिड्स के बारे में अगर उसके टेस्ट के बारे में बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होता है, आप सभी लोगों को पता है सॉल्ट टेस्ट। अगर एसिड्स का नाम लें तो सबको ये पता चलता है, हाँ नींबू। अब नींबू खट्टा ही होता है भाई, अब नींबू खट्टा है यानी सॉल्ट टेस्ट का होता है, तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, नींबू की तरह होता है। आगे चलते हैं, मेटल रिएक्शंस के पढ़ेंगे। तो जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि अगर कोई भी मेटल हमने लिया उसको एसिड के साथ जब भी रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा, इससे ये पता चलता है कि वो एसिड्स हैं। नेक्स्ट, बबल रिलीज इन एसिड। बबल रिलीज इन एसिड यानी किसी भी एसिड में अगर हम मेटल्स को डालेंगे तो वहां पे बबल्स निकलेगा, वो बबल किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन गैस जो निकल रही उसी का बबल होगा, यानी कि अगर आपको कोई मेटल दे दे और बोले कि आप इसको बताएं मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप कैसे बताएंगे, सिंपल सा है, आप कोई एसिड ले लीजिए उसमें उसको मिला दीजिए, अगर वो बबल दे रहा है तो इसका मतलब वो एसिड है, अगर बबल नहीं दे रहा है तो वो नहीं एसिड है, सीधा सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो लिटमस पेपर, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट इंटरमीडिएट में सभी लोगों ने किया होगा, जनरली सभी करते हैं, वहाँ पे मिल जाता है लिटमस पेपर, इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे। जब भी ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये इसकी जनरल फीचर्स हो गए, जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, किसके बारे में, एसिड्स के बारे में, एसिड्स के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, इसका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे किसी एसिड्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ एसिड। फार्मास्यूटिकल यूज कहाँ कहाँ एसिड्स का होता है, कौन कौन से एसिड हैं जिनका हम फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड सभी लोग पता है, सैलिसिलिक एसिड बहुत ही वाइडली यूज होने वाला सब्सटेंस है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि जनरली आप लोग, अब जनरल सभी लोगों को पता चल गया सैलिसिलिक एसिड का यूज कहाँ होता है, इस समय फंगल इन्फेक्शंस वगैरह जहाँ पे भी हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यानी स्किन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उस पर सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो अगर हम पॉइंट्स के हिसाब, पॉइंट बेसिस देखें, पॉइंट के हिसाब से पढ़ें, तो उसका यूज होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए और अपर स्किन लेयर को बचाने के लिए किसी भी
बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ से, यानी कि अपर स्किन जो लेयर होती है उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए हम सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज किस में किया जाता है, पाउडर्स वगैरह बनाने में, क्रीम्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है, जनरली सैलिसिलिक एसिड्स का यूज किया जाता है। जिससे हम क्या करते हैं, ये हेल्प किस में करता है, जैसे कि हमारे चेहरे पे मस्से वगैरह हो जाते हैं, निवाड्स हो जाते हैं, सोरियसिस यानी कि स्किन कोई डिजीज हो जाती है, डैंड्रफ वगैरह हटाने के लिए शैम्पू में यूज किया जाते हैं, रिंगवाम एक्ने को हटाने के लिए इसका सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, सबसे मेनली अगर हमें याद रखना ही है तो सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या याद करेंगे, सैलिसिलिक एसिड का यूज हम एस्पिरिन ड्रग बनाने में यूज करते हैं। एस्पिरिन जनरल कुछ लोगों को जरूर आइडिया होगा एस्पिरिन क्या होती है, एस्पिरिन एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है, एस्पिरिन एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग होती है जो कि हमारे ब्लड को थक्का होने से बचाती है। ठीक है, तो एस्पिरिन बनाने में किसका यूज किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी यानी फार्मास्यूटिकल यूजेज हो गए इसके सैलिसिलिक एसिड। अब नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C7H6O2, O3 होता है, C7H6O3 होता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला। और C7H6O2 जो होता है वो बेंजोइक एसिड का फार्मूला है, यानी दोनों ही एसिड्स हैं। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड के बाद हम आएंगे बेंजोइक एसिड पे, C7H6O2। अब इसको देखते हैं, ये भी एक हाईली इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए काम किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है, एज एंटीमाइक्रोबियल और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में बहुत ज़्यादा ही इसका यूज किया जाता है, किसका, बेंजोइक एसिड का। आगे बढ़ें तो बेंजोइक एसिड का यूज लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है, यानी जब भी कोई ड्रग बनाते हैं तो हमें लुब्रिकेंट की जरूरत होती है, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड का यूज कर लिया जाता है। यानी अब बेंजोइक एसिड के बारे में एक और पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इरिटेशन कॉज्ड बाई इंसेक्ट बाइट्स बर्न्स, यानी जलने पे इंसेक्ट बाइट के काटने से जो भी इरिटेशन होता है उसको बचाने के लिए भी बेंजोइक एसिड्स का हम यूज करते हैं। आगे बढ़ें तो एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट इसको ध्यान से सुनिएगा, मिक्सिंग ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइट फील्ड ऑइंटमेंट विच आर यूज इन एथलीट फूड डिजीज कॉज्ड बाई फंगल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है समझिए, यानी कि बेंजोइक एसिड का 6 पार्ट, सैलिसिलिक एसिड का 3 पार्ट अगर हम मिक्स कर दें तो उसका यूज होता है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट बनाने में। वाइट फील्ड एक ऑइंटमेंट होता है जिसमें बनाने में हम बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों का यूज करते हैं। अब वो किस में यूज किया जाता है, यानी वाइट फील्ड जो ऑइंटमेंट बना उसका यूज करते हैं एथलीट फूड डिजीज। एथलीट फूड डिजीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एथलीट फूड डिजीज क्या होती है, जो एथलीट हमारे जो धावक होते हैं, बड़े बड़े धावक होते हैं, उनके फूट यानी जो उनका पैर होता है उसमें क्या उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम इस क्रीम का यूज करते हैं। और इसमें किसका यूज किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है और सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है। और एक सैलिसिलिक एसिड के बारे में बता दें तो सैलिसिलिक एसिड मार्केट में आपको मिल जाएगा, माइकोडर्म पाउडर आता है, माइकोडर्म उसमें आपको सैलिसिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा, उस पाउडर में माइकोडर्म जो पाउडर होता है उसमें सैलिसिलिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लोग सब लोगों ने जानता होगा, ये केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल यूज करने वाला होता है। केमिकल इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज एज अ फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का और क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कीमोथेरेपेटिक के रूप में किया जाता है। कीमोथेरेपेटिक मतलब जो भी कैंसरस पेशेंट होता है उसकी जो भी कीमोथेरेपी की जाती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, H2SO4 इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट है, इन केमोथेरेपी ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड डैमेज द कैंसरस डीएनए एंड द प्रोसेस नोन एज द एल्काइलेशन ऑफ द डीएनए एंड दिस टाइप ऑफ द ड्रग नोन एज एल्काइलेटिक एंटीओ न्यूप्लास्टिक एजेंट। ये पॉइंट है, इसका हिंदी मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ, जब आप नोट से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कैंसरस सेल के डीएनए को डैमेज कर देता है। अब कैंसरस सेल के डीएनए को डैमेज कर देगा तो कैंसरस सेल खत्म हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्काइलेशन ऑफ डीएनए। इस प्रोसेस को बोलेंगे एल्काइलेशन ऑफ डीएनए, और इस टाइप की ड्रग को जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व हुई है इस ड्रग को बोलते हैं एल्केलाइटिंग एंटीओ न्यूप्लास्टिक ड्रग।
ठीक, समझ में आ गया? तो आप लोग नोट्स से देखेंगे, इन नोट्स के लिए भाई हमारी साइट notescard.com पे जाएं, वहाँ से आप नोट्स लें और उसको लेक्चर्स को सुनें, दोनों को एक साथ कंबाइन स्टडी करें, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई होप बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार आप ट्राई करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी आपकी क्वेरी आ रही है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे एक लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड दूध से दही वाले बनने वाले प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। सभी लोगों ने सुना होगा दूध से दही बनना, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक बेसिलस। आप लोगों को पता ही है बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक बेसिलस के थ्रू ही बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड सबसे बड़ा यूज तो इसका यही हो गया लैक्टिक एसिड का, कि इसका यूज किस में किया जाता है? दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए मिल्क टू कर्ड में कन्वर्टिंग, जो कन्वर्टिंग कन्वर्जन होता है वो लैक्टिक एसिड की यूज होता है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी और होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ को तो ये प्रोवाइड वो करता है, क्या मतलब कि प्रमोट करता है, लेकिन कुछ को इनहिबिट कर देता है, यानी कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए इसका भी यूज किस में किया जाता है? क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किसके रूप में किया जाता है? क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब सबसे बड़ा यूज इसका किस में होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। जब भी हमें किसी माइक्रोबियल या वायरस की ग्रोथ करानी होती है, तो हम लैक्टिक एसिड कल्चर कराते हैं, लैक्टिक एसिड में कल्चर करा देते हैं, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ होती है उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टेड इज द कंजुगेट बेस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर, अमूल दूध, सबको याद होगा हम अमूल दूध, अमूल पाउडर मिल्क, तो अमूल दूध पीता है इंडिया, तो समझ ही रहे हैं सभी लोग। तो कैसे बनता है इसका भी प्रोसेस, कैसे बनाने का होता है, तो समझिए। लैक्टिक एसिड जो होता है ना, उसी से उसका कंजुगेट बेस बनता है लैक्टेड, और लैक्टेड से बनता है हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो भी हमारा बनता है वो लैक्टेड से ही बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड का इतना सारा यूज होता है, हमारा फार्मास्यूटिकल यूज हो गया। अब फार्मास्यूटिकल यूज ही उसको मानेंगे, क्योंकि अमूल वगैरह है वो मेडिसिनल ही होते हैं, तो इस हिसाब से फूड में ही आते हैं, लेकिन है तो मेडिसिनल। हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना है, हमारे हेल्थ को कॉन्शियस, हमारे हेल्थ को अच्छी रख रहे हैं, यानी वही से होता है मेडिसिन का मतलब क्या होता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करें, तो इस प्रकार से वो भी मेडिसिनल यूज हो गया लैक्टिक एसिड का। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हमारे नोट्स में लाइसर्जिक एसिड के बारे में दिया गया है, नाइट्रिक एसिड के बारे में और सिट्रिक एसिड के बारे में बताया गया है। आप उसको नोट्स को देखें, आप सीधे जाएँ notescard.com पे और वहाँ से नोट्स को आप कॉपी कर लें या जेरॉक्स करा लें, उसके बाद से आप स्टडी को आगे बढ़ाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस, और बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बफर, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, ये इंट्रो वाला पार्ट है, उसके बाद से हम मेन केमिकल कंपाउंड्स पे आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।